हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और दोस्तों, आप काफ़ी दिन से एक ही बात बोल रहे थे कि सर मैथ्स कब से स्टार्ट होगा, मैथ्स कब से स्टार्ट होगा। तो बच्चों, मैथ्स की क्लास आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। और बच्चों, बड़े अच्छे वे से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक उठाऊंगा, 9th से 10th क्लास तक का आपको मैथ्स करवाऊंगा। सो इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का टॉपिक है स्टेटिक्स। और पिछली बार इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे, तो बच्चों इसको अच्छे से कर लेना। उम्मीद है इस बार भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं या मैथ हमें नहीं आता। तो नहीं नाम तो बच्चों हम ख़त्म कर देंगे, बस पढ़ते जाओ हमारे साथ। तो बच्चों, सबसे पहले स्टेटिक्स के बारे में हम जानेंगे क्या होता है, क्लास मार्क के बारे में जानेंगे क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मीन, मीडियन, मोड, इन सब के बारे में जानेंगे। जो भी इनके मेथड्स हैं वो भी हम सीखेंगे। बस बने रहिए क्लास में लास्ट तक। अच्छी लगे क्लास लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं भाई ये स्टेटिक्स होती क्या है, स्टेटिस्टिक्स होती क्या है, सांख्यिकी इसको हिंदी में कहते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले बच्चों, जो स्टेटिस्टिक्स वर्ड हैं वो अपीयर हुआ, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज के स्टेटस वर्ड से ड्राइव किया गया है। इसका मतलब पॉलिटिकल स्टेट था। तो स्टेटिक्स क्या है बच्चों, वो ब्रांच है मैथ की, ठीक है, इसको हम साइंस की ब्रांच भी बोल सकते हैं। मैथ की वो ब्रांच है बच्चों जिसमें हम पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं कलेक्शन के बारे में, किसी चीज़ के कलेक्शन के बारे में, ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस यानी उसको किस ढंग से हम लिखें उस तरीके के बारे में, उसके विश्लेषण के बारे में और उसके इंटरप्रिटेशन यानी ग्राफ के बारे में, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। यानी सबसे पहली बात डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको एक टेबल में अरेंज करना, फिर उसको एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना, ये सारी बातें किसके अंदर आती है, स्टैटिक्स के अंदर आती है। सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, आपके घर पे हर महीने राशन के सामान का एक बायोडाटा तैयार होता है। तो वो बायोडाटा जो आप लोग तैयार करते हो उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। आपके पेरेंट्स हर महीने आपके घर के खर्चे का लेखा जोखा रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टेटिक्स कहते हैं। आपके टीचर आपके मार्क्स का लेखा जोखा रखते हैं, डाटा को शेव करके रखते हैं आपके पेरेंट्स को दिखाने के लिए, तो वो भी क्या है, स्टेटिस्टिक्स के अंदर आता है। अब क्या है, आपसे ये भी पूछा जाता है भाई एवरेज नंबर कितना है, औसत कितना है, मीन कितना है, ये सारे डाटा भी किसके अंदर आते हैं, स्टेटिस्टिक्स के अंदर। जैसे इंडिया गवर्नमेंट है पॉपुलेशन की जो काउंटिंग करवाती हैं, और कार या मोटरसाइकिल ट्रैक्टर एजेंसी है वो ट्रैक्टर्स की काउंटिंग करवाती हैं, इस मॉडल के इतने ट्रैक्टर हैं, तो वो सारा किस में आता है बच्चों, डाटा में आता है। और ये किसके अंडर, कौन सी ब्रांच के अंदर कलेक्ट किया जाता है, स्टेटिस्टिक्स के अंदर किया जाता है। आप किसी भी एजेंसी में जाओगे वहाँ एक ग्राफ मिलेगा आपको बनाया हुआ, इस महीने इतनी बिके, इस महीने इतने वाहन बिके, इस महीने इतने बिके, तो वो चीज़ भी किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेटिस्टिक्स को करती है। यानी बच्चों, अगर ध्यान से हम इस चीज़ को देखें तो हमारे चारों तरफ ही ये डाटा आपको मिल जाएगा, स्टेटिस्टिक्स आपको मिल जाएगी, क्योंकि होता तो सब कुछ हमारे चारों तरफ है, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है। अब आइए इसको डिटेल से समझते हैं सारी बातें, डाटा की बात करते हैं। डाटा क्या होगा, द फैक्ट फिगर विच आर न्यूमेरिकल और कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। और डाटा प्लूरल फॉर्म है किसकी, लैटिन वर्ड डेट्यूम की। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है डाटा को समझने की। आपके घर पे जो लिस्ट बनती है जिसमें आप लिखते हो भाई इतनी हल्दी है, इतनी मिर्च लेके आनी है, हल्दी का 1 पैकेट, मिर्च के 2 पैकेट, नमक के 2 पैकेट, ठीक है, तो ये सारा डाटा है, इसको क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। और इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखा जाता है, आगे बताऊंगा सारी बातें बताऊंगा, बस समझते जाइए आप लोग। इसके बाद है बच्चों कि जो डाटा वर्ड है इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, ठीक है। और जो स्टैटिकल जो डाटा है
उसको, हाँ ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है बच्चों। और जब एक इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, डेफिनेट प्लेन और डिजाइन के साथ अपने दिमाग में, उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। जैसे एग्जांपल, आपके मम्मा ने या आपके पापा ने एक लिस्ट बनाई, उसमें लिखा मिर्च 2 पैकेट, ठीक है, उसके बाद लिखा हल्दी यानी टर्मेरिक 1 पैकेट, ठीक है, फिर लिखा शुगर चीनी 5 किलोग्राम, फिर लिखा चाय पत्ती 4 किलोग्राम। तो ये डाटा आपके पापा ने खुद ने अरेंज किया है, तो इस डाटा को हम कहेंगे प्राइमरी डाटा, यानी वो डाटा जो हम खुद तैयार करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। उसके बाद आता है मेरे साथियों सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि ये वो डाटा है बच्चों जिसको कोई दूसरा बंदा क्या करता है, कलेक्ट करता है या पब्लिश करता है, ठीक है, या अनपब्लिश सोर्स से हमें मिलता है, उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे हमारे देश में जो जनसंख्या की गिनती होती है वो सेकेंडरी डाटा है। इसके साथ साथ बच्चों पशुओं की जनगणना होती है, वो भी कौन सा है, सेकेंडरी डाटा है। इसके साथ साथ हर साल गवर्नमेंट एक डाटा रिलीज करती है, इतना मीट्रिक टन नरमा खरीदा गया, इतने मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई, तो वो डाटा भी कौन सा है, सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि हम तो तैयार नहीं करते, हमें तो वो डाटा एक पब्लिश किया हुआ मिलता है। एक आपके देश की जो GDP का ग्राफ होता है वो भी कौन सा डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है बच्चों, ठीक है, समझ गए। इतने एग्जांपल दे दिए यार, अब तो दिमाग में घुस जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जैसे ही हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो जो इनविजिलेटर है बच्चों वो क्या करेगा, वो अलग अलग रास्ते से उसको टेबुलर फॉर्म में डिजाइन करेगा, टेबल बनाएगा उस चीज़ की, ठीक है, जिससे वो चीज़ें उसको आसानी से समझ आ जाए। तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या कहते हैं बच्चों, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद है रॉ डाटा। क्या होता है कि अगर डाटा को अरेंज किया जाए इन द मैनर एज इट वॉज कलेक्टेड, कि जैसे जैसे वो कलेक्ट किया गया है उसको वैसे ही रखा जाए, तो वो होता है रॉ डाटा, ठीक है। और अगर उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं बच्चों, तो वो बन जाता है एरे या अरेंज्ड डाटा, ठीक है। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे कोई नंबरों की जो संख्या थी मैंने लिखनी थी, भाई 5, 7, 9, 10, 11 किलो या जो भी था, इतनी पैकेट्स थे, तो उनको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया जैसे वो लाता गया, भाई इस डिब्बे में 7 पैकेट है, इसमें 1 पैकेट है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, मैं वैसे ही लिखता गया, तो वो डाटा कहलाएगा रो डाटा। उसके बाद इस डाटा को मैंने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, उसको हम कहेंगे शॉर्टेड डाटा या एरे डाटा या अरेंज्ड डाटा। उसके बाद बच्चों उसके ग्रुप बना दिए, भाई 1 से 2 कितने हैं, 4, 3 से 4 कितने बन रहे हैं, भाई 5 फ्रीक्वेंसी मिल रही है, 5 से 6 में कितने आ रहे हैं, 8, 7 से 8 यानी 7 कितनी बार, 8 कितनी बार है, तो 9 बार, 9 और 10 कितनी बार है, भाई 3 बार, 11 वाला कितनी, 11 पैकेट कितने हैं, 1 में है। तो ये जो डाटा है बच्चों ये ग्रुप्ड डाटा कहलाएगा, इसको टेबल की फॉर्म में भी हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं भाई, इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है। 1 से 2 में कितने थे, 4 थे, 3 से 4 में 5, 5 से 6 में 8, 7 से 8 में 9, 9 से 10 में 3 और 11 से 12 में 1। अब इसकी टेबुलर फॉर्म की खास बात क्या रहेगी, कि जो हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वर अकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ समझिए भाई, 1 से 2 तक जो नंबर आए कितनी बार आए, 4 बार आए, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। 3 से 4 तक कितनी बार आए, 5 बार, 8 बार, 9 बार, 3 बार, 1 बार, ये कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। और ये कहलाएंगे क्लास इंटरवल। क्या कहलाएंगे, क्लास इंटरवल बच्चों, ठीक है, क्लासेज और क्लास इंटरवल्स आर द ग्रुप्स इन विच द ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड, कि जिस वो ग्रुप होंगे जिसमें उस ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया जाएगा उसको क्लास इंटरवल कहेंगे बच्चों, ठीक है। और ये हमारी लिस्ट क्लास इंटरवल की वैल्यू है और ये हाईएस्ट क्लास इंटरवल की वैल्यू रहेगी, ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम एच बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ये बातें आगे भी बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो
सुपोज कर लो, सुपोज क्लास इंटरवल इज 10 to 20 है, देन 10 इज कॉल्ड लोअर लिमिट बोलेंगे, 20 को हम बोलेंगे अपर लिमिट क्लास की, ठीक है बच्चों। और इनकी जो मिड वैल्यू निकालेंगे क्लास इंटरवल की, वो लोअर वाले को और अपर वाले को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 10 और 20 30, 30 बटा 2 करूँगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा, 15 आएगा, समझ गए मेरी बात। और इसका इसने कहा लोअर लिमिट प्लस जो आपकी अपर लिमिट है उसको आधा करके लिख दो यहाँ, ठीक है ना। 10 और 5 15 आया, लोअर लिमिट कितनी है 10 है, 10 हो गया जी, 10 का आधा कर दो कितना आएगा 5, 10 और 5 कितना आ गया 15 आ गया। या ये कह सकता है कि जो ये 1/2 लेना है, ये क्या ले लो, डिफरेंस ले लो अपर और लोअर लिमिट का, तो लोअर लिमिट कितनी है 10 है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 10 है, 10/2 यानी कितना आ गया 15 आ गया भी प्लस किया तो, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी बात आपको मैं तभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज एडिड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास एंड दिस सम इज एडिड टू द थर्ड क्लास एंड शो ऑन, ऐसी फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, एग्जांपल से भी समझाऊंगा, बस क्लास लास्ट तक देख लो, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, ठीक है, या इसको मोर देन भी बोल देते हैं बच्चों, तो ये चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा। बस अब देखो आगे, हर एक चीज़ क्लियर करता हूँ मैं। सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात आई, तो ये लेस देन 10 है बच्चों, भाई 10 से जितने भी कम डाटा हैं वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। 20 से कम कितने हैं, इसमें 10 वाले भी शामिल हो गए तो 4 और 9 कितना बन गया भाई, 13, ठीक है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। लेस देन 30, 30 वाले में क्या आ जाएंगे भाई, दोनों तो ये ऊपर ऐड कर दो, 13 तो ये हो गए, ठीक है, 5 इसके थे यानी कितने हो गए, 18 हो गए भाई। नेक्स्ट है, लेस देन 40 वाली बात कर रही है, ये मैंने डाटा उठाया है सही से, जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें सही समझ आ जाएगा, ठीक है। इस 18 को इस 12 के साथ जोड़ दो भाई, कितने हो गए, 30 हो गए, इस 30 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ देना, कितना हो गया, 45 हो गया, तो ये तो हो गया लेस देन होगी का। अब नेक्स्ट है बच्चों, मोर देन का आ जाए ना तो नीचे से स्टार्ट करो, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, ठीक है जी, ये रही 15, 15 को फिर जोड़ना है हमें ऊपर वाले में, ऊपर कितना है 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, फिर 27 में 5 32, यानी ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको जो मैं बता रहा हूँ, 5 जोड़ना है या 32 में 9 जोड़ना है, 41 ये 9 दिया हुआ मिलेगा, ये जो आगे 4 है ये भी दिया हुआ मिलेगा, 41 में 4 जोड़ना है तो 45 आएगा, ठीक है, यानी इसकी उल्टी हो जाएगी बच्चों, रिवर्स हो जाएगी और डाटा में सम में चेंज आ जाएगा, यानी लेस देन हो तो ऊपर से जोड़ना है और मोर देन हो तो नीचे से ऐड करना है, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी आपकी। उसके बाद है बच्चों, एक एग्जांपल समझिए आप कि टेबल को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी मेरे साथियों और ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। बस ज़रूरत है तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखने की और दूसरी बार इस वीडियो को देख के अपने नोट्स तैयार कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। अब गिवन बिलो आर द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स क्लास 9th इन ए स्कूल, प्रिपेयर ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है बच्चों। तो सबसे पहले आप इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, ठीक है, उसके बाद देखना है भी 14 कितनी बार आया है, 14 देखो भी एक बार, आगे देखो और कितनी बार है, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो 4 क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और टेली मार्क लगा देते हैं भी ऐसे करके। नेक्स्ट देखो 15 कितनी बार है, 15 8 बार है तो 8 बार लगा दो भी निशान, 1 2 3 4 5 और 6 7 8। इसी तरह से 16 कितनी बार है बच्चों, 10 बार हैं, ठीक है, और 17 कितनी बार है, 3 बार हैं, टोटल मिला लेना भी कितनी है, 25 है, 25 ही ऊपर आपको दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल। ये टेबुलर फॉर्म में इसको डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है भी, ग्राफ पे ये डाटा कितनी तरह से दिखाया जा सकता है, तो 3 तरह से दिखाया जा सकता है, एक होगा बार ग्राफ, दूसरा होगा हिस्टोग्राम, तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और बार ग्राफ 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल बार ग्राफ होता है, एक डबल बार ग्राफ होता है, ठीक है। डबल बार ग्राफ यूज किया जाता है डाटा के कंपेरिजन के लिए, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आ जाओ नेक्स्ट पे बता देता हूँ आपको। इसने कहा हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर इन 1000, रेंट है भाई, रेंट के लिए 5000 रुपये दिए, ग्रोसरी के लिए 2000, एजुकेशन के लिए 3000, ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 और मिसलेनियस 4000 रुपये खर्चा हो गया। तो इसको दिखाना है भाई बार ग्राफ की फॉर्म में, ऐसे बनाना है बच्चों, ठीक है। बार ग्राफ क्या होता है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, डाटा को हम एक फोटो के थ्रू दिखा सकते हैं बच्चों,
ठीक है। और ये स्टेटिकल डाटा, ये स्टेटिस्टिक्स है, इसमें डाटा को कलेक्ट करके रिप्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बता ही दी, ये ग्राफिकल फॉर्म है बच्चों। अब रेंट दिया 5,000, तो ऐसे भाई इस तरह से रेक्टेंगुलर बिल्कुल डिफरेंस सेम रखना है दोनों का, यानी ये और ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ नीचे दिखाएंगे हेड्स, यानी जो ग्रोसरी हैं, पॉपुलेशन दे दी या कोई और आइटम दे दिया वो नीचे दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी को हमेशा ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। तो रेंट इतना दे दिया भाई, ग्रोसरी के 2,000 दे दिए, एजुकेशन के 3,000 दे दिए, ट्रांसपोर्ट के लिए 2,000 दे दिए और मिसलेनियस के लिए 4,000 दे दिए। तो इस तरह से ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, इतना आप अच्छे से जानते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद ध्यान से इसके बारे में दो बातें पढ़ो। द होरिजेंटल एक्सिस इज जनरली कॉल्ड एक्स एक्सिस, यानी ऐसे वाली जो लाइन होगी उसको एक्स एक्सिस कहेंगे, ऐसे वाली लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे। ईच बार ऑफ बार डायग्राम हैज़ द सेम विड्थ, कि बार ग्राफ के अंदर जो बार होगी यानी इनकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो बराबर होगी, ठीक है। बराबर ही आप लोगों को रखनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा अगर बार ग्राफ के लिए बोले तो। स्पेस होगा, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बार्स इज सेम, और इनके बीच में जो जगह होगी ना, ये वाली जगह ये सेम होगी मेरे साथियों, ये जगह क्या होगी, सेम होगी यानी बराबर होगी। उसके बाद है भाई नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि इन फिगर द बार डायग्राम प्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन अकर्ड ऑन ऑल द स्पोर्ट्स इन ए पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, 2 लाख रुपए थे भाई, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हॉकी, भी हॉकी पे कितना अमाउंट इन्होंने खर्च किया। तो सबसे पहले बच्चों 2 लाख लिख लो, ठीक है, गुणा में क्या करना है, हॉकी, हॉकी देखो भी कहाँ है इसमें, किस जगह पे है हॉकी, ध्यान से देखो, हॉकी पे 4 दे रखा है तो 4 लिख दो भाई यहाँ। फिर क्या करना है, ये 4 कितने में से हैं, 4 और 3 7 और 6 13 और 5 18 और 2 20, 20 में से है, 20 से भाग कर दो भाई, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा, 4 से गुणा करोगे तो 40,000 आ जाएगा मेरे बच्चों, 40,000 आंसर आ जाएगा। दूसरी बात कर रहा है क्रिकेट की, तो वही 2 लाख लिखो पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्रिकेट में देखो भाई कितने बंदे थे, कितने था, 6, ठीक है, 6 कितने में से खर्च हो रहे थे, 20 में से, तो 20 से भाग दे दो भाई, तो ये कितना देगा, ठीक है, 1,000 देगा ना, या 10,000 देगा, 10,000 देगा भाई, 6 से गुणा कर दो, ये लो 6 लाख हो, 6 60,000 उत्तर आ गया आपका। समझ गए मेरी बात क्या, या समझ नहीं आई भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, ए हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम की बात करेंगे, बार ग्राफ की तो बात कर ली, और बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें क्लास इंटरवल की ज़रूरत नहीं होती। और कंपैरिजन के लिए कौन सा बार ग्राफ यूज करते हैं, दो डाटा को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं डबल बार ग्राफ। दो तरह से बार ग्राफ, दो तरह से लाइनें खींची जाएगी बच्चों, ठीक है। और वही कंडीशन होगी दोनों की, जो रेक्टेंगुलर जो बार हम खींचेंगे, लेंथ जो विड्थ होगी वो सेम होगी, दो बार्स के बीच में जो गैप रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे वो सिंगल बार ग्राफ हो चाहे वो डबल बार ग्राफ हो। उसके बाद बात आती है हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम भी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक रेक्टेंगल क्लास इंटरवल के साथ होंगे बच्चों, बेस और हाइट्स भी होगी, प्रोपोर्शनल होगी एक दूसरे के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, और इनके बीच में रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा, लगातार होगी इस तरह से बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन दिया इसने, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर बाय 100 स्टूडेंट्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 0 से 10 4 स्टूडेंट है, 10 से 20 10 हैं, 20 से 30 16 हैं, 30 से 40 22 हैं, 40 से 50 20 हैं, 50 से 60 18 हैं, 60 से 70 8 हैं, 70 से 80 कितने हैं, 2 हैं। तो इनका डाटा भी इस तरह से ग्राफ बनाना है, रिप्रेजेंट करना है थोड़ी सी जगह छोड़ के, ठीक है। 0 से 10 से, अभी 0 से 10 में कितने स्टूडेंट है आपके, 4 स्टूडेंट है, तो वो 4 स्टूडेंट यहाँ ऐसे करके टच कर दो इसको, ठीक है। 10 से 20 में कितने हैं भाई आपके, 10 स्टूडेंट है, तो 10 की तरफ जाके टच कर दो भाई, इस तरह से ये जो आपका ग्राफ बनेगा मेरे साथियों, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से बनाना जरूरी है, इसको हिस्टोग्राम हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट दिया, द डेली अर्निंग ऑफ 40 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फैक्ट्री के जो डेली वर्कर्स हैं,
ठीक है। एक तो बच्चों उस कंडीशन में हम बार हिस्टोग्राम बनाएंगे जिसमें सारे जो क्लास इंटरवल है वो सेम दे रखे हैं। दूसरा हम तब बनाएंगे जब क्लास इंटरवल सेम नहीं दे रखे होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है भाई 51 से 60 हो गया, 61 से 70 हो गया, सेम नहीं आ रहा ना, 60 से 70 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, अलग अलग है। अब इनको सेम कैसे बनाएंगे, ये डाउट हर बच्चे के माइंड में आता है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, पहले वाली फ्रिक्वेंसी में से आधा घटा दो, यानी 50.5 आ जाएगा, और जो इसकी अपर लिमिट है उसमें आधा जोड़ दो, यानी ये 60.5 आ जाएगा। इसी तरह से इनमें घटाओ, इसमें जोड़ो, इसमें घटाओ, इसमें जोड़ो, इसमें से हाफ माइनस, इसमें हाफ प्लस, इसमें हाफ माइनस, इसमें हाफ प्लस, इसमें हाफ माइनस, इसमें हाफ प्लस। तो 50.5 से 60.5, 60.5 से 70.5, 70.5 से 80.5, 80.5 से 90.5, 90.5 से 100.5, 100.5 से 110.5, और ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। बस अब करना क्या है भी, उसी तरह से बार ग्राफ बना दो, 50 से 60.5 जैसे ये बना रखा है, देख लो, समझ लो, ठीक है। और ये जीरो से स्टार्ट ना हो ना, थोड़ी सी लाइन ऐसे छोड़ दो भाई, यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना मेरे साथियों। 50.5 से 60.5 के लिए भी ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है, 60.5 से 70 के लिए। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ये हिस्टोग्राम बनेगा बच्चों, उस कंडीशन में बनेगा जिसमें क्लास इंटरवल आपके बराबर नहीं होंगे। उसके बाद बनती है मेरे साथियों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनती है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज द पॉलीगन ऑब्टेंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपर हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ द ऑल द रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में अपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके मिड पॉइंट को अटैच करके हमें जो कर्व मिलेगी उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जैसे ये देख लो, यहां से स्टार्ट हुई, ये मिड पॉइंट था, इस मिड पॉइंट से इसको टच किया, इसको किया, इसको किया, इसको, ठीक है। इस तरह से ये आपकी पॉलीगन चलती रही और ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। इसको आगे ऐसे मिला देना, अभी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक ऐसे चली, ये कहलाएगी आपकी पॉलीगन मेरे साथियों, ठीक है। समझ आ गई बात भाई। तो आज की मैथ की क्लास में बस आपको इतना ही बेसिक सा काम करना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे मीन, मीडियन, मोड। ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। कल आपको मैं 9th क्लास के मीन, मीडियन, मोड करवा दूंगा, ठीक है। फिर आगे की जो क्लासेस रहेगी 10th क्लास में मीन के 3 मेथड थे बच्चों, वो करवा दूंगा, ठीक है। मोड और मीडियन भी करवा दूंगा। इसके साथ साथ 9th में, 8th क्लास में आपका एक कंसेप्ट आता था रेंज का, प्रेशर का, वो भी मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान से कर लेना। और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई। जिस बच्चे को स्टडी मटेरियल चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एडमिन को मैसेज कर देना, आप लोगों को उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप टेस्ट भी दे सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो बच्चों। बड़े काफ़ी कम कॉस्ट पर हम ये चीज़ें आपको अप्लाई कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं बच्चों, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठा लेना। जिसको VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है वो मेरी दो बातें गांठ बांध लो। आपका जो एडमिशन होगा VLDD में, वो एडमिशन आपका कोई एक सब्जेक्ट नहीं करवाएगा। इसके लिए आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी और मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों बच्चों ऐसा? क्योंकि 40 नंबर की बायोलॉजी है, 30 नंबर की फिजिक्स और केमिस्ट्री है, 30 नंबर का मैथ है, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। तो बायोलॉजी और मैथ तो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आपका एडमिशन निकलेगा। इनको अच्छे से पढ़ लिया करो, हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया करो। इसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं भाई, तो सभी बच्चे अगर थ्योरेटिकल क्लास नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं भाई, ये जो सेशन आप लोगों के चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इनको ज़रूर देखा करो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो बच्चों इतनी हिम्मत तो कर सकते हो यार, प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करो सभी साथी, ठीक है ना। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए भाई इतना ही, अगर क्लास अच्छी लगी है शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना यार। अब मिलेंगे भाई हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।